तो भाई आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको एक पावर बैंक बना करके दिखाने वाला हूँ। जैसे कि आपके पास अगर इस तरीके की बैटरी है जो कि 9 वोल्ट की होती है, तो इस वाले बैटरी से आप काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज कर सकते हैं। अब आप बोल सकते हो भाई आप पावर बैंक बना रहे हो तो इस वाले बैटरी को यूज क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपको लोकल मार्केट पर 10 रुपए में आसानी से मिल जाता है और आप इसे इमरजेंसी पर यूज कर सकते हो। आगे वाले वीडियो पर मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा कि पावर बैंक और भी हैवी पावर वाले कैसे बना सकते हैं। तो बस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, मैं तुरंत आपको इसे बना करके दिखाता हूँ। तो देखो इसे बनाने का स्टेप काफी इजी है। अब इसके साथ जो आपको मॉड्यूल लेना है वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा भाई। तो मेरे हाथ के नीचे है वो मॉड्यूल, और इस वाले मॉड्यूल को देखने के लिए आपको सबसे पहले वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। देखो ये वाली वो मॉड्यूल है, और ये दरअसल यूज होता है कार में, जो कार वाली जो चार्जिंग होती है उस पर आपको ये मॉड्यूल देखने को मिल जाता है। थोड़ा डिफरेंस साइज का मिलेगा लेकिन यही मॉड्यूल होता है। लेकिन देखो इसके खासियत क्या है कि यहाँ पर ये हमें टोटल 3 एम्पियर आउटपुट देगा। अगर आप यहाँ पर 5 वोल्ट ले देते हो, 9 वोल्ट देते हो, 12 वोल्ट देते हो, 24 वोल्ट तक भी अगर दोगे तो ये आपको 5 वोल्ट और 3 एम्पियर आउटपुट देगा। तो सबसे पहले इसे करते हैं अनबॉक्स। और भी काफी सारे हैं मेरे पास मॉड्यूल्स हैं जिन्हें आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाना है और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट आपको करके दिखाना है, तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो ये मैंने मॉड्यूल को अनबॉक्स कर दिया है। यहाँ पर अगर देखो तो ज्यादा कुछ हमें देखने को नहीं मिलता है, बस यहाँ पर हमें 2 पोर्ट देखने को मिल जाते हैं जो कि यूएसबी फीमेल पोर्ट है, और यहाँ पर कुछ कैपेसिटर, आईसी और कुछ रेजिस्टेंस है, एलईडीज है, बस इस पर बस यही फंक्शन हमें देखने को मिल जाता है। बस चलो अब इसका कनेक्शन करते हैं। पॉजिटिव वाला यहाँ लगाएंगे, नेगेटिव यहाँ लगाएंगे। जैसा मैंने आपको कनेक्शन बताया, मैंने सेम उसी तरीके से कनेक्शन मैंने कर दिया। अब इसे टेस्ट तो करेंगे, लेकिन उससे पहले हम टेस्ट करने के लिए एक काम करेंगे, जो है हमारा स्मार्टफोन। अब जैसे कि ये हमारा स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन पर हम कितने एम्पियर देते हैं जैसे हमारी जो बैटरी है यानी कि फोन की जो बैटरी है वो चार्ज हो जाती है। सबसे पहले अगर बात करें चार्जर पर, तो देखो यहाँ पर आपको चार्जर देखने को मिल जाएगा जो कि 5 वोल्ट और 2 एम्पियर हमें आउटपुट देता है, यानी कि हमारा 2 एम्पियर पर जो हमारा फोन है वो चार्ज रहता है। तो इसे मेजर करने के लिए मैं यहाँ पर एम्पियर ऐप का यूज करने वाला हूँ। इस वाले एम्पियर ऐप पर आपको एम्पियर ऊपर में शो हो जाएगा, साथ ही यहाँ पर बाकी जो इसकी डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले हम इसे चार्ज करके देखेंगे डायरेक्ट एसी से कि आखिर ये कितना आउटपुट देता है, उसके बाद हम मॉड्यूल को चेक करेंगे कि हमारा मॉड्यूल कितना आउटपुट देता है। अभी देखो यहाँ पर जो आपको माइनस पर दिख रहा है वो प्लस पर दिखेगा जैसे मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा। ये देखो जैसे हम यहाँ पर इसे कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कितना एमएच पर ये चल रहा है। तो अभी यही लगभग 15 एम्पियर के आसपास ये चल रहा है। लेकिन एक सेकंड, 15 एम्पियर के आसपास ये चल रहा है, क्या बात है सर, क्या बात है सर। पर 15 नहीं है, 0.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, 1.3 एम्पियर, यानी 1300-1400 एमएच जो बता रहा है, 1600 एमएच बता रहा है, ये हमारा एक नॉर्मल एम्पियर बता रहा है। अभी देखो नॉर्मली जो जैसे कि ये करंटली जो वोल्टेज आ रहा है, एम्पियर जो आ रहा है वो 1700 एम्पियर के हिसाब से आ रहा है, यानी कि देखा जाए तो 1.5 एम्पियर मान के चलते हैं, 1.5 एम्पियर हमारा चार्जर से आउटपुट निकल रहा है मैक्सिमम पर। अब चलो अब हम मॉड्यूल पर चेक करते हैं मॉड्यूल पर हमारा आउटपुट कितना मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ से करते हैं डिस्कनेक्ट, चार्जर को भी खोल लेते हैं और इसका जो केबल है केबल को यहाँ पर निकाल लेते हैं, क्योंकि केबल से ही हमारा मॉड्यूल जो है वो काम करने वाला है। अब यहाँ पर मॉड्यूल को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे मैं इसे कनेक्ट करता हूँ ना, तो यहाँ पर एक वाइट कलर की जो एलईडी है वो ग्लो करती है, और इससे थोड़ा डैमेज भी हो सकता है क्योंकि ये एलईडी है जो वोल्टेज को एब्जॉर्ब करेगी और बैटरी जो है वो डिस्चार्ज होगा। देखो यहाँ पर मैंने इसे कनेक्ट किया। अब चलो अब इसे कनेक्ट करके देखते हैं कि अब ये हमारे फ़ोन को इजिली से चार्ज कर रहा है या नहीं, और कितने एम्पियर हमें दे रहा था। जैसे कि इस पर लिखा हुआ था कि ये 3 एम्पियर हमें आउटपुट देगा, तो इसे हम 3 एम्पियर पर भी चेक करके देखेंगे, लेकिन ये केबल लग नहीं रहा, बहुत ज़्यादा टाइट है। ये देखो ये लग गया, अब इसे कनेक्ट करते, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। देखो यहाँ पर मैंने लगाया है, अभी आपके सामने चलने वाला है कितना एम्पियर में आउटपुट ये दे रहा है। आप यहाँ पर देखो गाइस, इस वाले मॉड्यूल पर जो आउटपुट है वो हमें देखने को मिल रहा है 230 मिली एम्पियर, यानी कि देखा जाए तो ये 1 एम्पियर भी नहीं दे रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि जो ये बैटरी है इस वाले बैटरी से कंडीशन पड़ सकता है, क्योंकि बैटरी हमारा कितना है
इसका कोई एम्पियर नहीं है, सिर्फ 12 वोल्ट के 9 वोल्ट पर ये काम करता है। तो चलो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर मैं इसे डिस्कनेक्ट करता हूँ और एक और बैटरी इस पर मैं सीरीज में लगाता हूँ, क्योंकि ये 26 वोल्ट तक ये काम करता है। तो यहाँ पर जब इसे पैरेलल कनेक्शन करेंगे, सॉरी सीरीज कनेक्शन कर देंगे, तो यहाँ पर 9 और 9 18 वोल्टेज हमें यहाँ पर इनपुट बताएगा। चलो इनपुट पर हम देखते हैं 18 वोल्टेज, देखते हैं उसके बाद क्या होता है। ये देखो 18 वोल्ट मैंने दिया है, अब देखते हैं इसकी एम्पियर कितनी ज़्यादा है, और वोल्टेज देखो 3.74 के आसपास में चल रहा है। तो यहाँ पर हमारा कंफर्म हो चुका है कि ये जो मॉड्यूल है ये सिर्फ और सिर्फ हमें लगभग हाफ एम्पियर के करीब ये दे रहा है, और देखो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, हो सकता है बैटरी पर भी डिपेंड होगा। तो इससे मैं जब चेक करूंगा अगले वीडियो पर, नेक्स्ट वीडियो पर, तो आपको ये कंफर्म भी हो जाएगा ये कितने एम्पियर लास्ट तक देता ही है। और आप चाहो तो इसे पावर बैंक अच्छी तरह से बना सकते हो, बस बैटरी बैकअप थोड़ा हाई लेवल की बनाना जिससे ये काम करेगा। देखो वीडियो के हिसाब से लॉन्ग हो गया है, वीडियो काफ़ी लॉन्ग हुआ है, तो उसके लिए मैं सॉरी बोल देता हूँ। लेकिन देखो आपको कंडीशन बताना था तो मैं बता चुका हूँ, क्योंकि आगे वाले वीडियो पर जब मैं इसे एक पावर बैंक बनाऊंगा तो उससे हमें पता चल जाएगा। और ये जो USB है इसे हमें यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट करना है, देखते हैं कि ये कितना हमें आउटपुट देता है। ये वैसे 1 एम्पियर का होता है, ये तो हमें पता ही है। भाई देखो आपके सामने मैं इसे कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ये देखो ये मैंने कनेक्ट किया है मॉड्यूल के साथ। अभी देखो यहाँ पर एम्पियर हमें कितना देखने को मिलता है आपके सामने, ये देखो 6.5 6.4 6.3, ये भी लगभग हाफ एम्पियर ही दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर 6000 mAh की बैटरी लगी हुई है, फिर भी यहाँ पर हमें एम्पियर काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। इसी से आप डिफरेंस लगा सकते हो कि मॉड्यूल वाले चार्जर आपके लिए बेस्ट होते हैं या आप जो एसी चार्जर जो होते हैं वो बेस्ट होते हैं। बैटरी बैकअप अच्छा रहेगा, देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये ख़राब है, ये भी काम करता है, बस इसका कंडीशन ये है कि ये हमारा कार पर काम करेगा, क्योंकि कार पर जो बैटरी लगी हुई है वो 40 एम्पियर की होती है, 50 एम्पियर की, 60 एम्पियर तक भी लगी हुई होती है, तो उससे हमें काफ़ी अच्छा बैकअप देखने को मिल जाता है। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर न्यू टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत। कैसा लगा कमेंट में मुझे जरूर बताना।